हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर और बेटा मैं पीपीएस की इस लेक्चर सीरीज में आज डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने बेसिक जो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। ठीक है, तो आज हम जहाँ हमने लास्ट फिफ्थ लेक्चर को पार्ट 1 जहाँ हमने स्टॉप किया था वहीं से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए तो बेटा, पहले हमने यहाँ पर देखा कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनके बारे में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। फिर हमने एक सिंपल सी प्रोग्राम बनाया था और वो समझा था किस तरह से प्रोसीड होता है। देन प्रिंटेफ किस तरह से काम करता है, एक आउटपुट फंक्शन है, और प्रिंटेफ को किस किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका क्या सिंटेक्स होता है, इसके बारे में एक एग्जाम्पल लिया था। ऐसे ही हमने फिर स्कैनएफ जो इनपुट फंक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है, उसको किस तरह से लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। ठीक, और फिर उसके बाद ये एक बेसिक छोटा प्रोग्राम मैंने बनाया था जिसमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर को इनपुट करके उस नंबर को हम डिस्प्ले कर रहे थे, है ना। तो इट वाज द प्रोग्राम टू इनपुट अ पर्टिकुलर नंबर, क्या कर रहे थे, दिस प्रोग्राम वॉज इनपुटिंग अ पर्टिकुलर नंबर एंड प्रिंट इट्स वैल्यू। ये प्रोग्राम एक नंबर को इनपुट करके इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं सी प्रोग्राम के, ये डिफरेंट सेक्शंस के बारे में एक एक लाइन इसलिए लिखी है कि कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का उसमें हर एक इंस्ट्रक्शन का क्या रीजन होता है, उसका क्या पर्पस होता है, तो आप इस छोटे छोटे एक एक लाइन से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, दीज ब्रैकेट्स आर यूज्ड, है ना, ये लिख सकते हैं दीज ब्रैकेट्स आर used for defining, are used for defining the scope. ये scope को define करने के लिए use होता है ना, कि कौन सी चीज कहां से कहां तक चली उसके हिसाब से ये bracket में पता चल जाता है कि एक bracket कहां से कहां तक run होगा। एक बात है, तो ये बेसिक तो एक एक दो दो लाइन आपको हर सेक्शन के बारे में पता चल जाएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी थोड़ी इनडिफरेंट इसलिए भी लग रही है क्योंकि अभी आपने पूरी तरह प्रोग्रामिंग शुरू नहीं की है, जब आप करेंगे तो ये बाई डिफॉल्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी कि इन सब चीजों का क्या पर्पज है। ठीक है, तो अभी अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो भी रहा है बेटा तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। चलिए देखिए, अब उसके बाद हमने डिस्कस किया सोर्स फाइल क्या होती है, हेडर फाइल क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, फिर जो बेसिक स्टेप्स हैं कि एक प्रोग्राम को लिखने से लेकर उसे फाइनली बनाने तक उसके बीच में जो जो स्टेप होते हैं वो सारे स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए ये हमने पढ़ लिया था, अब हम यहाँ से मैं आपको थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग करानी आज स्टार्ट कर रही हूँ कि सिंपल सिंपल प्रोग्राम अगर हमें बनाने हैं तो हम उन्हें कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम जो मैंने लिया उसमें हम एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, है ना, दिस इज द सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। अब देखो, इसे बनाने से पहले ये समझते हैं कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम, बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे वो इंस्ट्रक्शन लिखनी है जिनकी हेल्प से कंप्यूटर, अगर मैं कोई किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहूँ तो वो मुझे कैलकुलेट करके दे, है ना। जैसे मैथ्स में करते हैं कि मैथ्स में आपको कोई सम मिला, आपको उसका सोल्यूशन बनाना है, तो आपको पहले इनपुट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, है ना, कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पे हम ये काम करेंगे। अब अगर आपको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, सर्कल की रेडियस चाहिए, है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि यूजर से पहले हम ये प्लान करते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम करना शुरू करेंगे तो पहले ये प्लान करते हैं कि मुझे आउटपुट पे क्या चाहिए। पहले ये सोचूं मैं कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पे, सपोज मैं इधर की साइड ये आउटपुट बता रही हूँ, है ना, कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पर क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे, मैं चाहती हूं कि जब मेरा प्रोग्राम रन हो तो क्या लिख के आए, एंटर रेडियस, ये लिखा हुआ आए, है ना। जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूं मुझे क्या लिखा हुआ मिले, एंटर रेडियस, ये लिखा हुआ मिले, और उस पर फिर मैं एक रेडियस को इनपुट कराऊं, और जब मैं उसमें कोई रेडियस इनपुट कराऊं तो यहां मुझे मिले द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और यहां मुझे एरिया मिल जाए। इस तरह से मुझे काम करना है ना, मैंने पहले आउटपुट को प्लान कर लिया, उसके बाद अब मुझे इसके लिए कोडिंग करनी स्टार्ट करनी है। तो चलिए
जब हम सबसे पहले सी प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहला सेक्शन क्या होता है, लिंक सेक्शन, है ना। पढ़ा था हमने, हमें सबसे पहले क्या करना है, हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। अभी के लिए हमने सिर्फ एक हेडर फाइल है जिसको याद रखा है, क्या, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल, जिसके अंदर printf और scanf दो फंक्शन है। printf की हेल्प से हम आउटपुट देते हैं और scanf की हेल्प से हम इनपुट लेते हैं। तो इन दोनों फंक्शंस को यूज करने के लिए मुझे stdio.h को इंक्लूड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिखा, अब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, हैश इंक्लूड stdio.h। बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या है, सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जो चीज आपने लोअर केस में लिखी वो लोअर केस में ही लिखी जाएगी। मतलब अगर मैंने कहा कि इंट, जैसे दो तरीके से मैंने इंट लिख दिया, जैसे कॉपी पे हम, अगर नॉर्मली हम कॉपी पे प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोअर केस अपर केस कुछ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हम देखिए यहाँ पर अगर मैंने ऐसे इंट लिखा और ये इंट लिखा तो दोनों जो है ना वो अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। ये वाला सही है और ये वाला गलत है, क्यों, क्योंकि जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इंट की उसमें ये जो स्मॉल आई है, ये जो आई है ये स्मॉल है। अगर आप इसे कैपिटल लिखेंगे तो जो कंपाइलर होगा वो एरर जनरेट करेगा, अभी हम देखेंगे। तो अभी हमें सिंपल सिंपल क्या समझ के चलना है, फिलहाल के लिए आपको एक हैबिट बनानी है कि जब भी हमें प्रोग्रामिंग करनी है हमें सिर्फ और सिर्फ लोअर केस लेटर्स का ही यूज करना है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे सिर्फ लोअर केस यूज करेंगे, बस अभी फिलहाल इतना ध्यान रख के चलें। फिर कहां पर केस बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हैश इंक्लूड stdio.h मैंने इंक्लूड किया, उसके बाद मैंने लिखा मेन, ठीक। अब मेन के पहले यहां हम void main भी लगा सकते हैं, int main भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर मान लीजिए void main लिखा। अभी मैं एक एक करके बताऊंगी कि ये चीज मैंने क्यों लगाई, void main, और main के बाद मैंने लगाया ये वाला ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि बेटा हम जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं, याद रखना C में हम जब भी कोई फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन के नाम के आगे हम ये पेयर ऑफ पेरेंथेसिस जरूर लगाएंगे। बस अभी फिलहाल आपको समझते चलना है कि फंक्शन के नाम के आगे ये पेयर ऑफ पेरेंथेसिस लगेगा, ये सी के रूल्स में है। रूल्स मतलब सिंटेक्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो सी में ये रूल है कि जब भी हम कोई फंक्शन लिखेंगे फंक्शन के नाम के बाद हम ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगाएंगे, ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट, यही वाले ब्रैकेट। अगर मैं इन ब्रैकेट्स की बात कर रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है या इसका मतलब ये नहीं है, ये तीनों अलग अलग है। दीज आर यूज फॉर स्कोप, है ना, और ये फंक्शन के अंदर यूज होते हैं, दिस इज फॉर फंक्शन, और ये वाले जो है ये यूज होते हैं एरे में। तो इसलिए हर ब्रैकेट का अपना अलग अलग पर्पस है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है ना ये अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पे इस ब्रैकेट के बजाय कोई दूसरे टाइप का ब्रैकेट बना सकते हैं, हर ब्रैकेट का अलग पर्पस होता है, ठीक। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर देखो, अब हमने लिखा ये वाला स्कोप, ये स्कोप क्या कहता है कि यहाँ हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए, अब क्या है, क्या लिखना है, सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, एंटर रेडियस। हमें क्या मतलब हुआ कि हमें यूजर से हमने कहा कि भाई वो रेडियस दो जिसके ऊपर हमें काम करना है, हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप हमें रेडियस दीजिए। अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रेडियस हम किसी ना किसी वेरिएबल में ही तो लेंगे, भाई रेडियस जब हम इनपुट करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर होगी, उसके लिए हमें कोई लोकेशन बनानी पड़ेगी। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप कोई वैल्यू दे रहे हो तो कंप्यूटर उसे कहीं स्टोर तो करेगा, है ना। तो अब अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया आर, है ना, जो कि एक पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस को होल्ड करेगा, जो रेडियस आएगी उसे हम आर के अंदर डाल देंगे। ये एक वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने आर। अब इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा, भाई हम क्या करेंगे, जो भी चीज मैंने अपनी तरफ से मानी, भाई अपने प्रोग्राम में जो प्रोग्रामर है वो अपने हिसाब से किसी भी चीज को मान के चल रहा है। जैसे हम मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट एक्स बी द वेरिएबल और लेट एक्स बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसे ही हमने क्या कहा, लेट आर बी द रेडियस। तो हमने, हमें पता है कि आर रेडियस है, क्या कंपाइलर को पता है कि आर रेडियस है, तो कंपाइलर को आपको बताना पड़ेगा कि आर जो है वो रेडियस होगी, है ना। तो कंपाइलर को बताने के लिए हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं किसी भी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज करने से पहले
हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन के टाइम पर हम क्या कहेंगे कि भाई ये वेरिएबल है जिसे हम यूज करेंगे, है ना, और इसमें किस टाइप की वैल्यू आ सकती है वो साथ में इसका डेटा टाइप लगा के हम देंगे। अब अभी तक मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाया नहीं है, मैं आपको और आगे डिटेल में जाके पढ़ाऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं ना, बेसिक तीन टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक तो होता है इंटीजर, जो कि इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज होता है। एक होता है फ्लोट, जो कि डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू के यूज होता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि इंटीजर की बात करूँ तो 2, 3 ये सब इंटीजर्स हैं, है ना, और अगर कि कोई वेरिएबल की वैल्यू 2.5 हो सकती है तो वो क्या होगा, फ्लोट है। तो अभी हमें क्या समझना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो सर्कल की रेडियस होती है वो पॉइंट्स में उसकी वैल्यू हो सकती है। अगर उसकी वैल्यू पॉइंट में है तो मैं इंटीजर ना लेके उसको किस टाइप का लूँ वेरिएबल को, फ्लोट टाइप का। क्यों? क्योंकि फ्लोट टाइप का वेरिएबल डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होल्ड कर लेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया, और डिक्लेयर करते हुए मैंने कंपाइलर को कहा फ्लोट आर, मतलब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है आर, जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और साथ साथ मैंने एक और वेरिएबल लिया एरिया। एरिया क्या है, एरिया वो वेरिएबल है, वो लोकेशन है जहां पर ये जो फाइनल वैल्यू होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या बात हुई, अगर मैं आउटपुट की बात करूं, अब इसका मतलब क्या है कि ये है हमारी आउटपुट, ये आउटपुट स्क्रीन है और ये है हमारी मेमोरी। जैसे ही मैंने ये दो वेरिएबल क्रिएट किए, इमीडिएटली क्या हुआ बेटा, देखो जैसे ये दो वेरिएबल क्रिएट हुए, यहां पर क्या है, अगर मैं यहां पर शो करूं कि एक तो है आर और एक है एरिया, दो मेमोरी लोकेशन बन गई, एक का नाम है आर और एक का नाम है एरिया। कंप्यूटर में प्रोग्राम जब हम बनाते हैं, प्रोसेसर जब इसे एग्जीक्यूट करेगा, देखो इसीलिए हमने पूरा डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था, तो जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कौन एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेसर, और प्रोसेसर किसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, रैम के। तो जो भी ये मेमोरी एलोकेशन होगा ये कहाँ होगा, रैम में। जैसे ही आर और एरिया बने, आर और एरिया को एक अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो गई, है ना। जब हम इनकी वैल्यू को इनपुट करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जाके इनके अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब और अभी इस डेटा टाइप के बारे में सिर्फ इतनी बात हमें पता है कि अब ये जो वेरिएबल है ये फ्लोट टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है, ये भी वेरिएबल है फ्लोट टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है, फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू। चलो हमने दो वेरिएबल बना लिए और हमने कंपाइलर को बता दिया कि भाई आर रेडियस के लिए हम यूज कर रहे हैं और एरिया नाम का भी एक वेरिएबल है जो फ्लोट वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक। ये दो मेमोरी एलोकेशन आपकी हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपको वो कोड लिखना है जिसकी हेल्प से ये वैल्यू वहां पर प्रिंट होके नजर आएगी। जब ये दिखेगा, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये नजर आएगा स्क्रीन पे, और जैसे ये नजर आया हम वैल्यू टाइप करेंगे कोई रेडियस की। तो चलिए ये कैसे नजर आएगा, आउटपुट लिखना पड़ेगा, है ना। देखो बेटा, सी जो है, ध्यान से सुनना, सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल का मतलब कि आप जो भी काम करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप में इंस्ट्रक्शन हर चीज के लिए लिखनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट कोई चीज आपको नहीं समझी जाएगी। अगर कोई चीज मैथ में, जैसे मैथ में आपने कहा कि ए बी आपने ऐसे लिख दिया, तो मैथ में ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से ये मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, ये सिंटेक्स है। ऐसा अंडरस्टूड आपको कंप्यूटर के केस में कुछ नहीं करना, हर चीज आपको अलग से लिखनी है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने क्या लिखा, प्रिंटएफ क्या करता है, डबल कोट्स के बीच में जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्या है, एंटर रेडियस। तो क्या लिखे, एंटर रेडियस, ठीक है। क्या लिखा हमने, एंटर रेडियस। अब एंटर रेडियस करने के बाद यहां जो वैल्यू होगी वो हमें इनपुट होके दिखाई देगी। चलिए यहां मैंने लिख दिया एंटर रेडियस, और उसके बाद ये डबल कोट्स लगा के इसे कर दिया बंद, और ये हो गया सेमीकोलन, ठीक बात है बेटा। अब देखिए, अब ये लिखा मिला मुझे, तो क्या होगा, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, यहाँ पर हमें रेडियस को एंटर करना है। मान लीजिए मैंने कोई भी रेडियस दिया, सपोज मैंने 2.5 यहाँ इनपुट कराया, कीबोर्ड से मैंने टाइप किया 2.5। ये 2.5 वैल्यू को इनपुट लिया जाएगा, इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्कैनएफ, है ना। तो स्कैनएफ फंक्शन दो काम करेगा, एक तो इस पर्टिकुलर आर के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी, है ना,
और दूसरी वो वैल्यू हमें स्क्रीन पर दिखाई देगी, है ना। स्क्रीन के लिए हमें क्या करना था, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना था, और इसमें भेजने के लिए हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करना था, एंड जो मैंने लगाया था उसको हम यूज करेंगे। तो क्या हुआ, जब हम इनपुट कराएंगे तो हम क्या लिखेंगे, स्कैनएफ। स्कैनएफ जो है वो हमारा इनपुट फंक्शन है। स्कैनएफ के अंदर हमें क्या करना है, देखिए अब ध्यान से देखिए, इनपुट करा के क्या लिखा, इनपुट परसेंटाइल डी, देखिए परसेंटाइल डी, और फिर मैंने लिखा, अब देखो ध्यान से देखना, परसेंटाइल डी, अभी फिलहाल मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ फिर कुछ लिखना है, मैं आपको बताऊंगी क्या मतलब है। और फिर मैंने लिखा एंड आर, परसेंटाइल डी एंड आर, क्या लिखा मैंने, देखो जैसे ही ये आर इनपुट हुआ तो ये परसेंटाइल डी की हेल्प से मुझे यहाँ नजर आएगा, है ना, और R की जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू थी वो कहाँ चली जाएगी, R में। तो R में क्या चला गया, 2.5। तो जैसे ही मैंने इनपुट किया, R के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2.5, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने के बाद इसकी हेल्प से मुझे ये स्क्रीन पे दिखा। अब देखो अगली चीज, अब हमने जब इनपुट किया तो अगला जो कोड आ रहा है, जो भी तुम्हें दिख रहा है, वो अगली लाइन में दिख रहा है। भाई ये पूरी लाइन है, ये स्क्रीन है, यहाँ स्क्रीन पे आगे भी बहुत स्पेस होगा, है ना, लेकिन आगे कुछ नहीं दिख रहा, अगली लाइन में दिख रहा है। इसका मतलब जो फाइनल एरिया डिस्प्ले हो वो अगली लाइन में हो, नेक्स्ट लाइन में एरिया डिस्प्ले हो। तो इसका मतलब यहाँ जैसे ही इनपुट वैल्यू करें, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो न्यू लाइन हो जाए, जो कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा है ना, वो अगली लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाए। तो उसके लिए ना अलग अलग एस्केप सीक्वेंसेस यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम देखो कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं, परसेंटाइल डी बैक स्लैश एन, ध्यान रखना है बैक स्लैश एन, ये क्या है, ये बैक स्लैश एन क्या काम कर रहा है, दिस इज फॉर, दिस बैक स्लैश एन इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन, याद रखना है, दिस बैक स्लैश एन यूज फॉर न्यू लाइन। तो क्या होगा, देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया परसेंटाइल डी, है ना, और अब क्या हुआ, जैसे ही ये प्रिंट करेगा 2.5, ये अगली लाइन में कर्सर को ले जाएगा। अब इसके बाद आप जो भी लिखेंगे ना स्क्रीन पर, वो अगली लाइन में आएगा। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में, जैसे हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं ना, ऐसे ही प्रोग्राम में हमें एंटर करने के लिए ये स्लैश एन लगाना पड़ता है, ये न्यू लाइन में ले आता है, ठीक है। चलिए ये कर दिया, अब हमने इनपुट करा लिया, अब हमें क्या पता है, रेडियस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। सर्कल का रेडियस क्या होता है, 2πr होता है। तो बस उस फॉर्मूले को हमने यहाँ लगा देना है, क्या करें, एरिया इज इक्वल टू 2 into, देखो बेटा मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये तो x है, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये नहीं है, ऑपरेटर जो है वो है कौन सा ऑपरेटर, ये एस्ट्रिक जो आपके कंप्यूटर में होता है, 2 multiply, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई आर, 2πr, है ना। तो क्या करेगा, ये एक एक्सप्रेशन है, देखो हमेशा जब भी आप प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन की, ये तो है लेफ्ट साइड, दिस इज LHS, है ना, और ये है इसकी राइट हैंड साइड। तो जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड पे होती है वो पूरी पहले इवैल्यूएट होती है, उसको हम पूरा इवैल्यूएट करते हैं, और इवैल्यूएट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू किस में चली जाती है, फाइनल इवैल्यूएशन के बाद वो LHS वाली साइड में चली जाती है। जैसे मैथ्स में मान लो, अगर मैंने मैथ्स में लिखा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है मैथ्स में, है ना, ये क्या कहता है कि x और y मिलके 2 बनाते हैं, ये वैलिड है। लेकिन कंप्यूटर में हम ये काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर क्या कहता है कि भाई 2 को x प्लस वाई में कैसे डालें, कंप्यूटर से कैसे समझेगा कि राइट वाला एक्सप्रेशन जो है उसे इवेल्युएट करो और फिर जो वैल्यू आई उसे लेफ्ट वाले में डालो। तो लेफ्ट साइड में आपको एक सिंगल वेरिएबल रखना पड़ेगा जिसमें आंसर स्टोर हो सकता है, ध्यान रखना है। जब भी हम कंप्यूटर में एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो कंप्यूटर में एक्सप्रेशन लिखते हुए लेफ्ट साइड में आपको सिंगल वेरिएबल ही रखना है जिसमें राइट साइड की पूरी कैलकुलेशन होगी और फिर जो आंसर होगा वो इस वाले वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। अब एरिया के अंदर क्या कंप्यूट हुआ, 2.2 multiplied by 3.14 into r, है ना, 2π, sorry, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज 3.14 into r, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, है ना। और फिर हमने लिखा सेमी कॉलन, फिर क्या लगाया, सेमी कॉलन, पाई आर स्क्वायर और उसके बाद सेमी कॉलन, आर को दो बार मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंपल लगा दिया। अब ये जो सेमी कॉलन है इसका क्या पर्पज है,
ये बेटा स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह काम करता है। क्या टर्मिनेट, क्या काम करेगा, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेगा। मतलब देखो यहां पर हमने सेमी कॉलन लगाया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहां खत्म, फिर अगली लाइन पे आ गए तो यहां पर ये स्टेटमेंट यहां खत्म, फिर ये स्टेटमेंट यहां खत्म, तो ये जो जहां जहां सेमी कॉलन है वहां वहां स्टेटमेंट खत्म हो गई। अब ये नई इंस्ट्रक्शन है जो यहां खत्म हो गई, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट हो गया। अब जो भी एरिया की वैल्यू थी वो वैल्यू कहां जाके स्टोर होगी, यहां पर। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी एरिया की वैल्यू आई वो वैल्यू हमने यहां जाके स्टोर कर दी, ठीक बात है। अब क्या होगा, एरिया कंप्यूट करना है, कंप्यूट कर लिया, अब हमें प्रिंट करना है। द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ आना चाहिए स्क्रीन पे, स्क्रीन पे ये दिखना चाहिए। तो स्क्रीन पर आउटपुट प्रोड्यूस करना है, किसकी हेल्प से करेंगे, प्रिंटफ की हेल्प से करेंगे, है ना। प्रिंटफ क्या कहता है, डबल कोट्स में जो लिखोगे वो एज इट इज दिखेगा, बस अगर वैल्यू दिखानी है तो वैल्यू की जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है। चलो अब क्या करें, क्या लिखे प्रिंटफ में, तो प्रिंटफ डबल कोट्स में क्या करूं, द एरिया ऑफ सर्कल इज, डबल कोट्स में क्या लिखना है, द एरिया ऑफ सर्कल इज, क्या लिखें, द एरिया ऑफ सर्कल इज, है ना, इक्वल टू, इक्वल टू के बाद क्या, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू परसेंटाइल एफ। अब देखो ये परसेंटाइल एफ क्यों लगाया मैंने, सॉरी ये यहां भी परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ किस लिए, क्योंकि ये हम फ्लोट वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। जब हम किसी फ्लोट वैल्यू को इनपुट कराएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा एफ। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए है परसेंटाइल डी, अभी फिलहाल याद रखो, और फ्लोट के लिए है परसेंटाइल एफ, ठीक बात है। तो यहां पर क्योंकि ये आर और एरिया जो है ये फ्लोट वैल्यूज हैं तो हमने परसेंटाइल एफ यूज करना है, परसेंटाइल एफ हमें यहां पर शो करेगा। अब जब हमें सर्कल का एरिया दिखाना है तो भी हमें परसेंटाइल एफ ही यूज करना है, यहां भी हमने परसेंटाइल एफ ही यूज करना है। अब क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ, किसकी वैल्यू दिखेगी यहां पर, एरिया की। तो एरिया के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहां पर नजर आएगी, और बस अब आपने अपना काम कर लिया, मेन के अंदर अपने सारी इंस्ट्रक्शन लिखी, अब ये जो ब्रैकेट है इसे हम कर देंगे क्लोज, है ना। तो अब क्या होगा, देखो स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देगा, एरिया ऑफ सर्कल इज, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो होगी आपकी आंसर, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो दोबारा से देखो एक बार, क्या हुआ, हमने एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस चाहिए और फिर एक दूसरा वेरिएबल चाहिए जिसमें हम एरिया का कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर मैंने ली रेडियस, यहां मैंने लिया एरिया, रेडियस को मैंने एंटर रेडियस करके इनपुट करा लिया। इनपुट कराते हुए पहले मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया, और फॉर्मेट स्पेसिफायर लेने के बाद ये जो है एड्रेस ऑफ आर उसकी प्लेस पर उसकी वैल्यू को पुश कर दिया। फिर मैंने एरिया निकाला, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख के मैंने एरिया को कंप्यूट किया, और फिर प्रिंटिव स्टेटमेंट में क्या डाल दिया, द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और यहां पर क्या दिखना चाहिए, इस एरिया की वैल्यू, तो इसलिए इस एरिया की वैल्यू को मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक बात है। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब देखो ये जो काम मैंने इस वाली प्रिंटिव स्टेटमेंट से किया, इसी काम को हम और कैसे कर सकते थे, देखो मैंने क्या लिखा है अभी यहां पे, प्रिंट एफ द एरिया ऑफ सर्कल, या इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसी प्रोग्राम को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, है ना। फिर से देखो, अब हमने यहां क्या लिखा, void main के बाद मैंने यहां क्या लिखा था, float r और area, ठीक है। अब मैंने यहां क्या लिखा, printf enter radius और scanf percentile f slash n एंड आर, आर को मैंने इनपुट करा लिया। इसके बाद हमने क्या किया था, एरिया को कैलकुलेट किया था, है ना। अब एक और दूसरी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, क्या मेरा ये बताने का पर्पस क्या है, कि अगर मैं एरिया को, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट था
तो उसको अलग से कैलकुलेट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं ये चाहूं कि भाई एक और वेरिएबल की मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है पाई आर स्क्वायर जो होता है वो एरिया होता है, तो हम क्या लिखें परसेंटाइल डी, या यहां लिखें द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, है ना, और यहां क्या लिखूं परसेंटाइल एफ, और फिर कर दूं बंद। अब क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कैसे कंप्यूट की थी पाई आर स्क्वायर, तो यहां मैंने सीधा क्या लिखा 3.14 इंटू आर इंटू आर, मैंने डायरेक्टली यहीं पर इसको कंप्यूट करके इसे कर दिया बंद। तो इसका मतलब एरिया नाम का एक और लोकेशन लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ, यहां पर मुझे एरिया ही अलग से लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बस एक ही वेरिएबल लिया आर नाम का और फिर उस वेरिएबल से मैंने बस अपना काम कर लिया। देखो अब मैंने किया बस क्या, आर आर को मैंने इनपुट कराया और उसके बाद जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी मैंने डायरेक्टली वो वैल्यू कैलकुलेट की और प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने उसको साथ साथ प्रिंट भी करा दिया। ये दोनों ही तरीके से आप काम कर सकते हैं, चाहे तो आप एक सेपरेट वेरिएबल ले लीजिए या फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी भी है कि वो यहाँ पर कंप्यूट करके और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यहाँ पर शो कर देगा। एक ही बात है, यही आउटपुट मिलेगा जो आपको पहले मिला, इसी सेम आउटपुट को आप जनरेट इजिली कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, आप एक सेपरेट वेरिएबल लेके प्रिंट करें या फिर आप प्रिंटफ में एक साथ कैलकुलेट करके डायरेक्टली प्रिंट कर दें, दोनों ही तरीके वैलिड हैं, किसी भी तरह आप काम को कर सकते हैं। आई होप दिस अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। चलिए अब अगला प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ सी प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देखो मैंने एल्गोरिथम भी कराया इसके ऊपर आपको, इम्पॉर्टेंट है इसलिए नहीं कि ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक मल्टीपल टाइम हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्या कर रहे हैं हम, सपोज मैंने सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक, और फिर मैंने लिखा void main। अभी फिलहाल मैं यहाँ void main लिख के चल रही हूँ, ठीक है, इस void की जगह हम यहाँ पर int, float, कुछ भी int लिख सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर int को कब लिखेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा वो अंडरस्टैंडिंग आपकी धीरे धीरे बनेगी। तो मैं फिलहाल के लिए अभी मान के चलिए कि यहाँ void लगा के चल रहे हैं हम, सारे प्रोग्राम हमारे बिल्कुल बढ़िया चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब बेटा हमें क्या करना है, प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, है ना। तो हम चाहते हैं कि आउटपुट जो स्क्रीन मिले उस पर क्या मिले, क्या मिले, एंटर टू नंबर्स, है ना, एंटर टू नंबर्स, हम वो दो नंबर यहां पर एक एक करके इनपुट कराएंगे और जब हम ये दो नंबर एंटर कर ले तो फिर वो दिखाए कि फर्स्ट नंबर या इस तरह से a इज इक्वल टू थ्री एंड, या a इज इक्वल टू थ्री एंड b इज इक्वल टू फाइव, इस तरह से वो दिखाए, है ना, क्या कि एंटर्ड नंबर आर थ्री एंड फाइव, या ऐसे लिख सकते हो द एंटर्ड नंबर्स आर थ्री एंड फाइव, ये इसी लाइन में है, मतलब ये चीज इसी लाइन में नजर आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो इस काम को करने के लिए सपोज मैंने यहां लिखा थ्री और फिर मैं टाइप करूंगी फाइव, तो थ्री और फाइव दो नंबर चले जाएंगे और फिर ये मुझे दिखाएगा कि भाई आपने थ्री और फाइव एंटर किया, पहले मुझे ये काम करना है। अब देखो मैंने क्या किया, इंट ए और बी वो दो नंबर हैं जिनके वैल्यूज मुझे आपस में इंटरचेंज करनी है। प्रॉब्लम क्या है कि ए के अंदर और बी के अंदर जो वैल्यूज गई हमें क्या करना है, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है और वो इस तरह से लिखनी है कि ए और बी की वैल्यू जो हो वो इंटरचेंज हो जाए, ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए। ठीक है, ये काम मुझे करना है। तो मैंने यहाँ दो वेरिएबल ले लिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये है ए और ये वेरिएबल है बी, ए और बी दो वेरिएबल मैंने बना लिए। अब क्या होगा, क्या लिखूं, क्या लिखना है, एंटर टू नंबर्स, मतलब दो नंबर एंटर करो, तो क्या लिखें प्रिंटफ और प्रिंटफ के अंदर लिख दें एंटर टू नंबर्स, है ना, ये हमें एज इट इज स्क्रीन पे दिखेगा,
एंटर टू नंबर्स, ये हमें स्क्रीन पे मिला। अब दोनों नंबर एंटर हो गई, एंटर कैसे होंगी, स्कैनएफ के थ्रू। स्कैनएफ लिखो, पहला नंबर परसेंटाइल डी है ना, दूसरा नंबर परसेंटाइल डी, और दोनों नंबर इनपुट करने के बाद कर दे न्यू लाइन। ठीक बात है भाई, दो नंबर इनपुट करे और उसके बाद वो नई लाइन में चला जाए कर्सर ऑटोमेटिकली, ताकि इसके बाद जो भी प्रिंट करे वो अगली लाइन में आए। तो क्या किया, पहला नंबर दिखेगा, फिर दूसरा नंबर दिखेगा, और फिर न्यू लाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। और पहली बार जो नंबर आपने टाइप किया वो कहाँ चला जाए, ए में चला जाए, और जो दूसरा नंबर टाइप किया वो बी में चला जाए। इस तरह से हमने ए और बी दोनों को इनपुट करा दिया। ये पहला वाला पार्ट है, पहले नंबर के करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, दूसरे के करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, न्यू लाइन की हेल्प से दोनों दिखेंगे स्क्रीन पे और नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। पहले वाले नंबर में जो भी आपने इनपुट किया वो ए में गया, दूसरे पे जो इनपुट किया वो बी में गया। पहले में क्या इनपुट किया, 3, और दूसरे में क्या इनपुट किया, 5। तो ये आपकी जो मेमोरी है ये दिख रही है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज बिफोर स्वैपिंग। ये जो मेमोरी का जो स्नैपशॉट आपको दिखा ये क्या है, बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग करने से पहले ये स्थिति आपको नजर आ रही है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए। अब यहां पर हमें क्या करना है, दो वैल्यूज इनपुट हो गई। अब मुझे एक ऐसा कोड लिखना है, क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मुझे कोई तीसरा वेरिएबल यूज करे बिना कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में चली जाए। कैसे करेंगे, देखो, देखिए किस तरह से जाएगी। अगर मैं सपोज मैं यहां कोड लिखूं, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, हमने इसका एल्गो भी लिखा है ना, और a इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये तीन इंस्ट्रक्शन है, ये तीन इंस्ट्रक्शन किस तरह चलेंगे, देखिए क्या हुआ। a और b हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए इसको रख रही हूँ। पहली बार में जब a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 5, है ना, तो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, इस वाली क्या करस्पॉन्डिंग, मैं कमेंट सेक्शन की तरह बना रही हूँ। देखिए परसेंटाइल डी, दूसरा है परसेंटाइल डी। अब देखो बेटा किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर, फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हम बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, है ना, या इसको हम कमेंट्स की तरह भी लिख सकते हैं। कमेंट में लिखो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, कमेंट का मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या हुई, ए इज इक्वल टू, ए की इनिशियल वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5, तो ए की वैल्यू क्या हो गई बताओ, 5 + 3 = 8, है ना, ए की वैल्यू तो हो गई 8, और बी की वैल्यू क्या है, क्या हमने बी की वैल्यू में कोई चेंज किया, नहीं किया, तो बी की वैल्यू क्या है 5, है ना। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद ए की वैल्यू तो हो गई 8 और बी की वैल्यू हो गई 5, ठीक बात है, इसको वाइट से लिख लेते हैं एक बार। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद जो ए की वैल्यू है वो तो हो गई बेटा 3 + 5 = 8, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 5, बिकॉज बी इज इंटैक्ट, उस पर हमने कोई काम नहीं किया। अब देखिए, चलिए इस वाले, अब हम इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ गए। नेक्स्ट में क्या हुआ, बी को अपडेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या अपडेट हो रही है, बी ए की वैल्यू में कोई चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, तो ए की वैल्यू तो 8 ही है जो अभी बनी थी, जो लेटेस्ट वैल्यू है ए की वो क्या है 8। भाई यहाँ पर देखो, अगर हम स्नैपशॉट देखें, दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी, है ना, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी 3, यहाँ हो गई 8, और बी की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है, क्या हो गई, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5, दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी, ठीक बात है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू एज इट इज है ए, बी की वैल्यू में चेंज है, बी क्या कैलकुलेट होगा, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, है ना, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या हुई 8, है ना, और बी की वैल्यू क्या है 5, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 8 - 5 मतलब 3, ठीक बात है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर ये जो स्नैपशॉट था ये क्या बन गया, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ए की वैल्यू क्या है बेटा 8 और बी की वैल्यू क्या आ गई 3, है ना, यही मेमोरी लोकेशन है, इन्हीं को हम चेंज कर रहे हैं, है ना, मैं बस आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि मेमोरी में ये किस तरह अपडेट हो रहे हैं। अब देखिए, अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, इसमें क्या है, इसमें बी की वैल्यू एज इट इज है, तो बी तो ऐसा कैसे रह गया, बी की वैल्यू क्या है 3, है ना,
ए की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस बी, ए की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, एट, एट, तो एट माइनस बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, थ्री, मतलब फाइव, ए की वैल्यू क्या हो गई, फाइव, तो इसका मतलब इसका जो स्नैपशॉट है वो क्या है, दिस इज फाइव एंड दिस इज थ्री। देखो क्या ये वैल्यू स्वैप हो गई, हो गई, इन तीनों स्टेटमेंट के बाद, ए की वैल्यू पहले थ्री थी, अब ए की वैल्यू हो गई फाइव, बी की वैल्यू पहले फाइव थी, बी की वैल्यू हो गई थ्री, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ए और बी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया। ठीक बात है, बस ये प्रोसेस हमें समझना है कि एक वेरिएबल को अगर हमने मेमोरी में एलोकेट कर दिया तो उस वेरिएबल में किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जीक्यूशन हम करते हैं, जो ऑपरेशन हम करते हैं, वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज करता है। एक वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू को होल्ड करेगा, अगर आप उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो पुरानी वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, है ना। एक साथ एक सिंगल वेरिएबल में एक साथ एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर नहीं हो सकती। फर्दर हम पढ़ेंगे आगे ऐसे मैकेनिज्म है कि हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक सिंगल वेरिएबल जो हमने यहाँ पे जिस तरह से हमने लिया है, इसमें एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू एक बार में स्टोर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखिए तो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या किया कि आपने स्कैनफ स्टेटमेंट में दो वैल्यूज को अपने इनपुट करा लिया, और अगर आप ये लिखना चाहते हैं द एंटर नंबर आर थ्री एंड फाइव, तो आप क्या करें, इनके बीच में यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल दें, द एंटर नंबर आर परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी ए एंड बी, उन्हें प्रिंट कर दो, है ना। अगर मैं इसके बीच में लिखूं एंटर नंबर आर थ्री एंड फाइव, तो उसके बीच में मैं यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख सकती हूँ। ठीक बात है, कैसे, देखो मैं इस तरह से कह रही हूँ, सपोज मैं लिखूं यहाँ पर, मैं लिख दूं क्या, प्रिंटफ द, क्या लिखा है, एंटर्ड द, एंटर्ड और नंबर्स आर थ्री एंड फाइव आर परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, है ना, डबल कोट्स बंद, पहले ए फिर बी, इस तरह से हम इसको यहां पर प्रिंट करा सकते हैं, तो जो हम यहाँ लिखेंगे वो हमें वहां पर स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, दो नंबर इनपुट करा लिए, फिर लिख दिया था एंटर नंबर्स आर परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, और फिर यहाँ पहले वाले की परसेंटाइल डी की जगह दिखे ए और दूसरे वाले की जगह दिखे बी, तो वो हमें वहां पर स्क्रीन पे नजर आ गए। अब हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया, है ना। तो अब इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पर जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर क्या दिखेगा, द वैल्यूज After swapping R five and, ये देख सकते हैं, five and three, ये एक ही लाइन में दिख रहा है, the values after swapping are five and three। तो देखो अब क्या लिखे, यहां पर क्या लिखेंगे, अब A और B की वैल्यू हम चेंज कर चुके, तो क्या लिखे, printf, है ना। और printf में क्या, ये वाला एंटर करने के बाद देखो, ये वाला यहाँ लिखा आया था एंटर नंबर आर थ्री एंड फाइव, इसके बाद नई लाइन आनी चाहिए, तो नई लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि नई लाइन के लिए हम यहाँ पर न्यू लाइन लगा देते हैं, बहुत सीधी बात है भाई, है ना, न्यू लाइन लगा देते हैं, परसेंटाइल डी, न्यू लाइन, बंद, फिर ए, फिर बी, है ना, ताकि हम जो भी लिखे वो अगली चीज न्यू लाइन में आए। तो हमने क्या किया, प्रिंटेफ द, क्या लिखा हुआ चाहिए, द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर, तो क्या लिखे, द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर इक्वल टू परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, बंद, कॉमा ए कॉमा बी, है ना। और बस ये काम हमें करना था, इसे बंद करके हम अपना ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्या लिखा हमने, देखो अब देखो ध्यान से क्या हुआ, हमें ए और बी दो वेरिएबल चाहिए, है ना, तो मैंने दो ए और बी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, वेरिएबल की डिक्लेरेशन, हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, है ना। अब यहाँ क्या लिखा, एंटर टू नंबर्स, तो एंटर टू नंबर लिखा हुआ आया, जैसे ही हमने दो नंबर इनपुट कराए वो दो नंबर हमें स्क्रीन पर दिखे और उन दोनों नंबर्स की पोजिशन पर वो वैल्यूज चली गई और फिर न्यू लाइन हो गया। उसके बाद जो भी लिखा हुआ आएगा अगली लाइन में आएगा, उसके लिए हमने यहाँ पर ये न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर डाल रखा है, ये क्या हो गया, न्यू लाइन, है ना। यहाँ पर भी हमने डाला न्यू लाइन, किस लिए, ताकि हम हर बार अगली लाइन में उसको शो कर सकें।
फिर क्या किया, प्रिंट द एंटर्ड नंबर्स आर परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, द एंटर्ड नंबर्स आर 3 and 5, पहले वाले की जगह ए की वैल्यू दिखे, दूसरे वाले परसेंटाइल डी की जगह बी की वैल्यू दिख जाए। फिर हमने क्या किया, इन इंस्ट्रक्शन की हेल्प से बेसिक ये लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक फॉर स्वैपिंग, है ना, ये जो लॉजिक है ये लॉजिक हमने यूज किया दोनों नंबर्स की वैल्यू को स्वैप करने के लिए। और इन इस लॉजिक में कैसे कैसे ये अपडेट हुई ये आपको मुझे लगता समझ में आ गया होगा। बेसिकली यही एक मेमोरी, उसी मेमोरी लोकेशन में किस तरह से वैल्यू चेंज हो रही है वो वैल्यू चेंज करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, ठीक है। तो फाइनली जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो ए और बी दोनों की वैल्यूज जो है वो इंटरचेंज हो चुकी। अब हमने क्या लिखा, द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, एक ही लाइन है बेटा ये, यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने इस तरह दिखा दिया, परसेंटाइल डी एंड, और इसकी जगह ए और बी दोनों की वैल्यूज यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। तो ये जो हमारा हुआ ये हमारा बेसिक लॉजिक हुआ, दो वैल्यूज की वैल्यू वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने क्या किया, स्वैप कर दिया और हमने किसी तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं किया। अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा लॉजिक है जो मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे और फिर उनके लॉजिक को अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए, अब ये है अगला प्रोग्राम, सेम वही काम करना है हमें, क्या कि दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं और हमें उनकी वैल्यूज को इंटरचेंज करना है, लेकिन कैसे इंटरचेंज करना है, थर्ड वेरिएबल का यूज करके इंटरचेंज करना है। मतलब काम क्या है, देखो पहले इसका हल्का सा लॉजिक समझते हैं और फिर उस लॉजिक के बाद हम, मैं यहाँ आउटपुट नहीं लिख रही हूँ, आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे हमने अभी पुराने वाले प्रोग्राम में किया था, ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है आउटपुट पे किस तरह चीजें बनानी है उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी आपकी बनने लगी होगी। तो अब देखो लॉजिक क्या है, थर्ड वेरिएबल यूज करके हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे इंटरचेंज करेंगे, पहले ये लॉजिक समझते हैं। चलिए देखिए, सपोज यहां मैंने क्या लिखा, इस तरह से मेरे पास दो वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल है मेरे पास ए और दूसरा वेरिएबल है मेरे पास बी, ठीक है। मैंने ए में 3 लिया और बी में 5 लिया, जैसे मैंने पहले किया था, ए में 3 है बी में 5 है। अब तीसरा वेरिएबल है मेरे पास जिसका नाम है टेम्प, टेम्परेरी वेरिएबल, जो कि इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को इंटरचेंज कराने का काम करता है। बिल्कुल ऐसे हो गया, मान लीजिए एक दो ग्लास है मेरे पास, एक ग्लास में मैंने वाटर लिया है और एक दूसरे ग्लास में मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक फिल कर ली, कोई जूस फिल कर लिया। अब मैं कह रही हूँ कि जिसमें पानी है उसमें जूस डाल दो और जिस ग्लास में जूस है उसमें पानी डाल दो, है ना। तो इस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक खाली ग्लास, है ना। पहले हम क्या करेंगे, पानी वाले ग्लास को या जूस वाले ग्लास को उस खाली ग्लास में डाल देंगे और फिर जो ग्लास खाली हुआ उसमें दूसरी चीज डाल देंगे। तो सिंपल सिंपल बिल्कुल वो अलग मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। तो बस अब हम क्या कोशिश करते हैं कि इस काम को करने के लिए हम कोड क्या लिखें, ऐसा क्या कोड लिखें जो ये वाला काम हमारा हो जाए। तो पहले आप ये समझिए, देखिए सपोज मैं लिखूं, सबसे पहले क्या कहा मैंने कि मैंने जो वेरिएबल लिया उसमें पहले मैं ए का जो वेरिएबल है उसकी कॉपी मैं इसके अंदर बना के रख लूं। तो मैंने क्या लिखा, टेम्प इज इक्वल टू ए, मतलब ए में जो है अब वो टेम्प में भी आ जाएगा। टेम्प में क्या आ गया, ए आ गया। देखिए एक एक करके आपको स्टेप देखना है, टेम्प इज इक्वल टू ए, टेम्प के अंदर ए आ गया, ए की मैंने कॉपी बना ली। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से चला गया, नहीं, मैंने इसके कंटेंट को सेव करके रख लिया कि 3 जो है वो यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे 3 बाद में इसमें भेजना है ना बी में। अगर मैं मान लो यहाँ से 3 हटा दूं और इसको कहीं सेव करके ना रखूं तो मुझे बी में डालने के लिए 3 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसलिए मैंने क्या किया, 3 की वैल्यू को इस टेम्प में रख के छोड़ दिया। अब मेरे हिसाब से इस 3 के अंदर अगर मैं बी की वैल्यू को 3 के अंदर डाल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या वैल्यू थी वो मैंने इसमें स्टोर करके ऑलरेडी रख ली, है ना। तो अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, बी इज इक्वल टू ए, सॉरी ए इज इक्वल टू बी, मतलब पहले ए की वैल्यू को टेम्प में डाला, टेम्प इक्वल टू ए का मतलब टेम्प में क्या आ गया, 3, है ना। अब मैंने ए में बी डाल दिया, बी की वैल्यू को मैंने कहाँ डाल दिया, ए में, तो ए में क्या आ गया, ए में क्या गया बताओ, अगर मैंने बी की वैल्यू में ए डाला, बी में ए डाल दिया तो बी में क्या था, 5, ए में क्या चला गया, 5, बी में जो वैल्यू थी उसे ए में डाल दो, ए में डाल दिया 5। अब क्या करना है, देखो ए में 5 चला गया, ए में 5 चाहिए था, बी में क्या चाहिए, 3 चाहिए, 3 कहाँ पे है, टेम्प में, तो जो टेम्प में वैल्यू है उसे बी में डाल दो। तो क्या लिखिए, बी इज इक्वल टू टेम्प, बी टेम्प में जो वैल्यू थी अब उस वैल्यू को डाल दो बी में, तो बी में क्या चला गया, बी में क्या गया, टेम्प।
ये लो, बी में मैंने डाल दिया टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है 3, ये तो हो गई इंटरचेंज। तो इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कराने के लिए मैंने ये कोड लिखा। एक तीसरा वेरिएबल लिया, अब फिर से समझिए, थर्ड वेरिएबल लिया, उस थर्ड वेरिएबल के अंदर पहले एक वेरिएबल की वैल्यू डाल दी, फिर इसकी कॉपी बनने के बाद बी की वैल्यू ए में डाल दी, बी की वैल्यू ए में चली गई तो उसमें 5 हो गया, और फिर बी में टेम्प में से वैल्यू उठा के बी में डाल दी, है ना। तो टेम्प की हेल्प से मैंने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया। अब इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर कोड लिखना है। तो जो पुराना प्रोग्राम था एज इट इज वही प्रोग्राम बनेगा, बस उस प्रोग्राम की जगह जो आपने ये तीन स्टेटमेंट्स लिखे थे, ये वाले, इन तीन स्टेटमेंट की जगह हम ये वाले तीन स्टेटमेंट लिखेंगे। और यहाँ पर एक और वेरिएबल है टेम्प, जिसे हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई हमें एक और वेरिएबल मान के चल रहे हैं जो कि टेम्परेरी वैल्यू का काम करेगा, है ना। तो चलिए इस प्रोग्राम को बनाइए, देखिए क्या है ये, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, दिस इज हैश इंक्लूड, कंफ्यूज नहीं होना है, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना। और फिर यहां लिखा void main, void main के बाद तीन वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करने हैं, कौन कौन से, int a comma b comma temp, ये तीन वेरिएबल हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, ए बी और टेम्प। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, प्रिंट एफ, एंटर, टू नंबर्स टू बी स्वैप, कुछ भी लिख सकते हैं, जो हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ मिले वो हम प्रिंट एफ में इस डबल कोट्स के बीच में लिख देंगे। हम क्या कह रहे हैं, एंटर टू नंबर्स टू बी स्वैप्ड, वो नंबर इनपुट करो जो कि स्वैप करने हैं, ठीक। अब इनपुट करा लो भाई दो नंबर, सबसे पहले स्कैनएफ, दोनों नंबर कैसे हैं, इंटीजर हैं, तो परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, और इनपुट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, है ना। तो पहला वाला नंबर ए में और दूसरा वाला नंबर बी में चला गया, ठीक बात है। अब क्या लिखे, अब हमें क्या करना है, एक बार इनपुट कराने के बाद हमें स्क्रीन पर दिखाना है द एंटर्ड नंबर्स आर ए एंड बी, अगर दिखाना है तो यहां पर प्रिंट एफ डाल दो, है ना, द नंबर्स बिफोर स्वैपिंग डाल देते हैं। चलिए क्या लिखे, प्रिंट एफ, क्या लिखे, द नंबर्स बिफोर स्वैपिंग आर, क्या लिखेंगे बेटा, द नंबर्स बिफोर स्वैपिंग आर इक्वल टू परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, एंड परसेंटाइल डी कॉमा, क्या लिखें, पहले वाले परसेंटाइल डी की जगह क्या दिखे ए और दूसरे की जगह दिखे बी, यही स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू किया, क्या नंबर बिफोर स्वैपिंग आर परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी डबल कोट बंद कॉमा ए की, पहले वाले ए की जगह ये और दूसरे वाले बी की जगह दूसरी वाली चीज दिख जाएगी, ठीक है, ये काम हो गया। अब दिखने के बाद क्या करना है, ये टेम्प की वैल्यूज, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन यहां लिख दो। तो क्या हुआ, टेम्प इज इक्वल टू ए, है ना, ए इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू temp, temp इज इक्वल टू a, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू temp, ये वाली स्टेटमेंट हमने यहां पर लिख दी, बस ये स्वैप हो गई। अब क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, द नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग आर इक्वल टू परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, ठीक है, पहले वाला जो नंबर है उसकी जगह क्या आ जाएगा, परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, पहले वाले नंबर की जगह क्या दिखिए, पहले वाला ए और दूसरा वाला बी, ए की वैल्यू यहां दिखेगी और बी की वैल्यू यहां दिखेगी, है ना। और ये काम करके आपको क्या करना, ब्रैकेट बंद, ठीक बात है। तो पहले वाले नंबर की जगह क्या दिखेगा, 5 और दूसरे वाले की जगह दिखेगा 3। तो देखो इसमें किस तरह से चलेगा, ये सबसे पहले हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर हमने लिखा एंटर टू नंबर्स टू बी स्वैप्ड,
दोनों नंबर्स को एंटर करा लिया, उसके बाद हमने लिखा द नंबर्स बिफोर स्वैपिंग आर दिस एंड दिस, है ना, ये नंबर्स आए। और हम चाहें तो यहाँ पर न्यू लाइन भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगली जो स्टेटमेंट है हम उसके बाद चाहते हैं कि प्रिंट हो, एंड परसेंटाइल डी न्यू लाइन, है ना, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करें, फिर हम इन्हें स्वैपिंग कर दें, और स्वैपिंग के बाद फिर जो फाइनल वैल्यूज हैं वो फाइनल वैल्यूज हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी विल यूज स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दो वेरिएबल को स्वैप करना है थर्ड वेरिएबल का यूज करके, तो इस तरह इस लॉजिक को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, सिंपल सिंपल प्रोग्राम हम देख रहे हैं। अभी एक चीज और कर सकते हैं, ये तो हमने बेसिक चीज बताई, अब आप अपने आप अपनी कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करिए प्रोग्राम्स की। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सर्कल का पेरीमीटर कैलकुलेट करिए, आप एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कीजिए, या फिर आप आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कीजिए, है ना, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट कीजिए, तो इस तरह के जो बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स हैं वो आप इजिली बना सकते हैं। आपको बेसिक लॉजिक समझ में होपफुली अभी तक आ गया होगा, है ना। एक और हम प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे एक प्रोग्राम, चलिए एक और बनाते हैं, क्या, राइट अ प्रोग्राम, बनाइए राइट अ प्रोग्राम, ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग हेरेंस फॉर्मूला, हेरेंस फॉर्मूला। ये प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल का एरिया हमें कंप्यूट करना है, हेरेंस फॉर्मूला यूज करके कंप्यूट करना है। अब देखो बेटा, ये इधर देख लेते हैं, पहले सिंपल सिंपल याद करते हैं कि ये हेरेंस फॉर्मूला क्या होता था, क्या था बेटा, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीन साइड है, ए बी सी। हेरेंस फॉर्मूले में क्या होता है, आप एक वेरिएबल कंप्यूट करते हैं एस, उसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, ये होता है हेरेंस फॉर्मूला। तो ऐसे हम पहले एस को कैलकुलेट करेंगे, है ना, और फिर फाइनली जो एरिया होता है वो क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे होता है बताओ, हेरेंस फॉर्मूला का एरिया जो है वो होता है अंडर रूट इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें ये वाला काम करना है, अब देखो इसके लिए मुझे प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या समझना है कि मुझे क्या क्या वेरिएबल चाहिए, मुझे ए बी सी एस और एरिया, ये पांच तो वेरिएबल चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, है ना। ए बी सी की वैल्यू हम यूजर से पूछेंगे, बताओ भाई जिस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है उसकी तीनों साइड को इनपुट करो, एस हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब ये फॉर्मूले में मुझे नजर आ रहा है कि ये तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, भाई हम मैथ में लिख देते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, है ना। लेकिन जब हमें ये अंडर रूट कैलकुलेट करना है, तो ये अंडर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसे हम कहते हैं एस क्यू आर टी फंक्शन, एस क्यू आर टी, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का काम करता है, है ना। और ये कौन सी हेडर फाइल में होता है, math.h, math.h एक हेडर फाइल है, जिस हेडर फाइल के अंदर ये sqrt फंक्शन होता है। हम इस फंक्शन में इन ब्रैकेट्स के बीच में जो भी लिखेंगे ना, ये उसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देगा। तो मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में sqrt फंक्शन अगर यूज करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो math.h है मुझे इसे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना पड़ेगा stdio.h के साथ, बस सिंपल करिए, चलिए देखते हैं। तो अब क्या लिखें, देखो चलिए बेटा प्रोग्राम शुरू करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना। ये तो हुआ हमारा बेसिक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी यूज करना है, तो क्या लिखें, हैश इंक्लूड math.h, हमने math.h वाली हेडर फाइल भी इंक्लूड कर ली, है ना। और यहाँ क्यों इंक्लूड की, ये चीज मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, कभी आपको बाद में कंफ्यूजन हो, फॉर यूजिंग एस क्यू आर टी फंक्शन, है ना, ये फंक्शन हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है, इसलिए हमने ये वाली हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड किया। चलिए अब लिखें void
मेन वॉइड मेन क्या क्या चाहिए मुझे ए बी सी है ना एस एक एरिया एस और एरिया ये पांच वेरिएबल की मुझे जरूरत है तो मैंने क्या लिखा इंट फ्लोट भी ले सकते हैं आप मैं इंटीजर से फिलहाल आपको काम करके दिखा रही हूँ आप चाहें तो इसको वैल्यू को फ्लोट भी ले लें मैं बाद में बताऊंगी वो इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में अगर डालें तो किस तरह से क्या चीजें होंगी उनके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल हम सिंपल वैल्यूज लेके इन इन चीजों को पहले लिखना सीख रहे हैं कि अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम हमें मिल जाए तो हम कोड की हेल्प से उन्हें लिखेंगे कैसे ठीक है बेटा चलिए तो ए बी सी तीन वेरिएबल लिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स के लिए एस कंप्यूट करने के लिए और एरिया वो होगा जिसमें हम फाइनली एरिया डाल देंगे कैलकुलेट करके चलिए अब लिखें प्रिंट एफ क्या लिखें क्या लिखा हुआ है एंटर ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है ना भाई ट्रायंगल की तीनों साइड्स को एंटर करो सबसे पहले ये लिखा हुआ आएगा तभी तो कोई इनपुट करेगा एबीसी की वैल्यू तो क्या होगा तीन नंबर हमें इनपुट करने हैं तो क्या लिखें स्कैनएफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी तीन बार मैंने लिख दिया चाहूं तो मैं यहाँ पर स्लैश एन भी लगा सकती हूँ ये हमारी मर्जी है आप अगर एग्जाम में यहाँ स्लैश एन नहीं भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आपको एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए तो जिस फॉर्मेट में आउटपुट होगा अगर वहां पर नई लाइन होगी तो यहाँ पर आपको न्यू लाइन लगानी पड़ेगी है ना तो हम इस ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू राइट न्यू लाइन अगर आप चाहते हैं कि नई लाइन में आए तो यहाँ न्यू लाइन लगाओ नहीं लगाओगे तो भी एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे जब तक ये बताया नहीं गया कि आउटपुट पर एग्जैक्टली ऐसे दिखना चाहिए तब तक आपके नंबर इससे नहीं कटेंगे ठीक है बेटा चलिए अब क्या हुआ ये लिख दिया अब पहली वाली जो वैल्यू आप डालोगे वो ए में जाए दूसरी वैल्यू बी में जाए और तीसरी वैल्यू सी में जाए इस तरह से हमने स्कैनफ स्टेटमेंट लिख दिया हमने ए बी और सी तीनों की वैल्यू को इनपुट करा लिया ए बी सी कैलकुलेट करने के बाद मिलने के बाद सबसे पहले क्या निकालना है एस की वैल्यू जैसे मैथ्स में करते तो आपको क्या करना है एस को कंप्यूट करना है क्या लिखें एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज करो डिवाइडेड बाय टू ए बी सी पहले इनको ऐड करो देखो जैसे मैथ्स में कहीं भी कोई भी ऑपरेशन लिखते हैं ना वो ब्रैकेट बता देता है यहाँ पर जो ऑपरेशन है ये जो ऑपरेटर्स हैं जैसे ये प्लस ऑपरेटर है डिविजन ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर है ये इनकी प्रिसिडेंस होती है मतलब कब पहले कौन सा इवेल्युएट होगा ये फिक्स है ना ये मैं जब आपको ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगी वहां पर ये चीजें मैं बताऊंगी तो आपको ध्यान रखना है अभी के लिए जब आप सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं तो सिंपल सिंपल स्टेटमेंट जो आप चाहते हैं पहले रहो उन्हें आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो हम चाहते हैं ए बी सी तीनों पहले ऐड हो और फिर जो आंसर आए उसे हम टू से डिवाइड करें तो इसलिए हमने एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू लिख दिया ठीक है इन्हें पहले ब्रैकेट में बंद किया फिर डिवाइड बाय टू लिखा चलिए अब क्या करें एस मिल गया हमें अब क्या कैलकुलेट करना है एरिया तो एरिया कैलकुलेट कर लो सीधा बस एरिया इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस क्यू आर टी देखो ध्यान से देखना बेटा ये फंक्शन है जिसके अंदर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हमने इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लिया सीधा लिखा एस क्यू आर टी और एस क्यू आर टी में ब्रैकेट के बीच में हम ये एक्सप्रेशन जो है इस एक्सप्रेशन को पास कर देंगे तो क्या लिखा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी क्या किया मैंने एस क्यू आर टी और ये क्योंकि फंक्शन है तो ये इसका ब्रैकेट है ये इसका ओपनिंग ब्रैकेट है यहां से ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इस पूरे का स्क्वायर रूट इस फंक्शन ने निकाल दिया और ये काम करने के बाद क्या लगाएंगे सेमी कॉलन ध्यान रखना है ये सेमी कॉलन छोड़ना नहीं है ना सेमी कॉलन क्यों क्योंकि ये जो लॉजिक था ये यहां पर खत्म हो गया ये स्टेटमेंट यहां पर खत्म हो गई अब इसमें क्या हुआ एरिया कैलकुलेट करके आ गया अब इस एरिया को क्या करना है प्रिंट कर दो तो क्या लिखें प्रिंट एफ क्या लिखूं सिंपल लिख सकते हैं द एरिया इज इक्वल टू दिस इसको प्रिंट करा दो तो क्या लिखें द एरिया इज इक्वल टू परसेंटाइल डी है ना और ब्रैक कॉमा एरिया यहां पर एरिया प्रिंट हो गया और बस अब आपने मेन को कर दिया बंद है ना कैसे किया देखो ए बी सी एस और एरिया तीन सारे को डिक्लेयर कर दिया ए बी सी को इनपुट कराया पहले एस कैलकुलेट किया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू से
और फिर s into s minus a into s minus b into s minus c इन पूरे एक्सप्रेशन को sqrt फंक्शन के अंदर पास कर दिया ब्रैकेट लगा के, है ना। तो अब जो भी इसका एरिया कैलकुलेट होके आया वो कहाँ गया, एरिया में, और एरिया को फिर हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है बेटा, इस तरह से हम सीधा सीधा किसी भी काम को जो सीधे सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनके रिगार्डिंग सीधे सीधे सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स हम इजीली बना सकते हैं। अब कोई आपसे कहे कि आप टेम्परेचर को फेरनहाइट में कन्वर्ट, सेंटीग्रेड टू फेरनहाइट कन्वर्जन का प्रोग्राम बनाइए, है ना। आप किसी की मैंने आपसे कहा कि किसी की बेसिक सैलरी इतनी है और उसका HRA इतना है और DA इतना है, चलिए आप उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाइए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको अभी तक मुझे लगता है बन गई होगी। और सिंपल प्रोग्राम अगर कोई आपसे कहेगा कि सिंपल सिंपल प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, दो नंबर को ऐड कराइए, तीन नंबर को मल्टीप्लाई कराइए, तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्रोग्रामिंग में बनाते चलेंगे। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह सिंपल सिंपल प्रोग्राम को हम डिज़ाइन करते हैं। अब इसके आगे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और डीप करेंगे, ये समझेंगे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स से क्या मतलब है, जब हम इन प्रोग्राम्स को चलाएंगे तो क्या ये सीधे एग्जीक्यूट हो जाएंगे या इनमें कुछ एरर्स भी आ सकती हैं। भाई जरूरी थोड़ा है कि आपने जो लिखा कंप्यूटर डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट कर दे, हो सकता है आपने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी हो। तो वो किस टाइप की एरर्स होती हैं, किस तरह से आती हैं, किस किस लेवल पर आती हैं, और ये प्रोग्राम को लिखने के क्या रूल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों का क्या पर्पज होता है, ये चीज़ें हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द लेक्चर्स आर बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग ओनली। तो बेटा अब आपको रेगुलरली सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारे लेक्चर्स देखने हैं। आप एक लेक्चर को मिस करके अगला लेक्चर देखेंगे तो 99% चांसेस हैं इस चीज के कि आपने कोई ना कोई कंसेप्ट बीच में मिस कर दिया होगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करें और सीक्वेंशियली 1-to-1 सारे लेक्चर्स को एक एक करके देखते जाएं। ठीक है बेटा, तो अब इससे रिलेटेड ये जो पूरा का पूरा लेक्चर था, ये जो पूरा मैंने कंप्लीट किया है पार्ट वन पार्ट टू, इसमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सिंपल प्रोग्राम कभी अगर आ गए तो 2 मार्क्स में पूछ लिए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पहली बात। दूसरी चीज, ये पूछा जा सकता है आपसे, यहां मैं लिख देती हूँ क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे लगता है एक बार आया है वो क्या है कि एक्सप्लेन या एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स फ्रॉम स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम या सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं वहां से लेके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो परफॉर्म होते हैं, है ना। और क्या हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन, ये आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन क्या क्या, पहला आपका सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस है, है ना। ऑब्जेक्ट कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड में क्या डिफरेंस है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो बेसिक जो सी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें, या मेन क्या होता है, मेन क्या पर्पस क्या होता है मेन को लिखने का, जैसे आपको बताया कि मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सी प्रोग्राम, है ना। तो ये उसका पर्पज है कि जब भी हम मेन लिखते हैं, मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है वो सारी मेन के पैरेंथेसिस के बीच में लिखी जाती है। या कोई आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दीज ब्रैकेट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज ब्रैकेट्स, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ पैरेंथेसिस, क्या ये स्कोप बताता है कि कहां से लेके कहां तक आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 6 से हम सी के अंदर, सी का जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये जितने भी स्ट्रक्चर्स, जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ की, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके बारे में क्या है, कहाँ किस इंस्ट्रक्शन में कौन सी चीज़ आ सकती है जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और अपनी सीक्वेंशियल अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।